हम लोग अभी कठिनाइयों से निकले, ऐसे नहीं कि नहीं निकले थे। अपने को अपने हैसियत से रहना है। हम अपने पुराने म्यूजिक के साथ ही रहते हैं। अगर ईश्वर में विश्वास हो तो सब काम हो जाते हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा जी को भी मैं बता रहा था, मेरा उनसे एक पर्सनल कनेक्शन है। वसुंधरा जी की जो माता जी हैं, राजमाता रही हैं ग्वालियर की, विजय राजे सिंधिया जी, वो उरई जालौन की रहने वाली थी और उस परिवार का बहुत रसूख भी है, बहुत प्रतिष्ठा भी है। तो मैं वसुंधरा जी के ननिहाल से हूँ और नो पॉलिटिक्स प्लीज़ में हम उनसे जानेंगे कि राजनीति के इतर उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ चीज़ें हैं, बेटे के साथ क्या बातें वो शेयर करती हैं, खाली वक्त में क्या करती हैं। वसुंधरा जी, सबसे पहले मुझे राजमाता के बारे में बताइए, क्या सीखें दी उन्होंने जब आपकी परवरिश हो रही थी, आप बड़ी हो रही थी, क्या सलाहें, ननिहाल की याद बताइए। नहीं, वो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस मेरी ज़िंदगी में किसी का रहा, आई सपोज सबका ही होता है, माँ का था। और क्योंकि एक प्रिविलेज परिवार जो कहते हैं लोग, उसमें हम लोगों की पैदाइश हुई थी, इसलिए उन्होंने स्पेशली मेरे को अलग से ले जाके कई सीखें दी थी। उसमें से एक जो था और जो आज तक मैं, जो अभी आपको बताया मैंने, जो आज तक मैं जिस उसूल से चलती हूँ, वो ये है कि अगर राजनीति में जाने का मौका मिलता है और तुम लोग राजनीति में जाओगे, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि ये परिवार के रूप में देखना है। आज जब मेरी शादी हुई थी और मैं इस घर में आई थी, इतना बड़ा राज परिवार था, तो मैंने भी सोचा कि क्यों यहाँ भेजा गया है, ईश्वर ने कुछ सोच करके भेजा होगा। और जब मेरा ब्याह हो रहा था, तो उस समय मैंने सबके पैर छुए, क्योंकि उसके नीचे से कुछ तो और दिखाई नहीं देता था, सबके पैर छू के मैंने एक संकल्प लिया कि आने वाले समय के अंदर अब मेरा परिवार खाली माँ, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे नहीं होंगे, परंतु पूरा ग्वालियर जिसमें मैं आई हूँ, वो सब के सब मेरे होंगे। और उन्होंने फिर उसको दायरा बढ़ाते हुए आगे ले गई, देश आखिर में वहाँ तक पहुँची। और वही हमको समझाया कि जब आप जाते हो तो सबको अपना परिवार मान के साथ लेके चलोगे, तो उसका सुख और अलग ही होगा। और वही हुआ। और उन्होंने कहा भी उस समय कि आज तुमको ध्यान में नहीं आएगा, मैं नहीं होंगी उस समय, तुमको शायद इन सब चीज़ों से फिर मुलाकात होने का या ध्यान करने का मौका मिलेगा, तो ऐसे समय में तुमको याद आएगी कि मैंने क्या कहा था। छुटपन का कोई वाकया ननिहाल का? हाँ, हमारे बड़ी मुसीबत हुआ करती थी। हम लोग सब स्कूल से वापस जब आते थे, तो सब दूसरे बच्चे तो अपने घरों में जाते थे, पिक्चर देखते थे, खाना खाने अपने माँ बाप के साथ बाहर जाते थे, दोस्तों के साथ जाते थे। हमें अगर अपनी माँ से मिलना होता था, तो हमें कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के में जाना पड़ता था। तो हमारा हमारी छुट्टियाँ जो होती थी, वो किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में, इसीलिए उस समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक ही होता था। हम तो समझते हैं कि ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसको हमने देखा नहीं है, जिसके गेस्ट हाउसेज और सर्किट हाउसेज हमने देखे नहीं हैं, क्योंकि हम उनके साथ दौरे पे जाया करते थे। और एक चीज़ जो वहाँ देखा मैंने, कार्यकर्ताओं का और नेताओं का कितना अच्छा संपर्क हुआ करता था उन दिनों में। हेलीकॉप्टर्स नहीं थे, रोड्स भी नहीं थे, तो हम लोग गाड़ियों में जाते थे, घंटों लगते थे, सुबह कार्यक्रम चालू हो जाते थे, रात के 12 बजे ख़त्म होते थे, परंतु बिहड़ मने और बिल्कुल अंदर के इलाकों के अंदर हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ ही रहते थे। और 12 बजे घर पे उनके पहुँचो, तो वो आरती के साथ दरवाजे पे खड़े होके खाना गरम गरम खिलाते थे। उनके घर में हम लोग रहते थे और उनके बच्चों को जानते थे, एक रिश्ता उनके साथ था। आज वो चीज़ थोड़ी सी मिसिंग है। आपने माँ का जिक्र किया, आप खुद माँ हैं, दुष्यंत सांसद हैं, लेकिन माँ और बेटे के रिश्ते में ये सारी राजनीतिक चीज़ें नहीं आती हैं। दुष्यंत को आपने पाल पोस कर बड़ा किया, उनको आपने क्या सीख दी? कोई वाकया जब वो कोई सवाल लेकर आए हों, कोई शैतानी की हो और फिर आपने समझाया हो कि चीज़ें ऐसे नहीं, ऐसे होती हैं? नहीं, एक ही है, मैंने कई उसको कभी स्पॉइल नहीं किया। और स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो, जो दूसरे बच्चों को मिलता था वही उसको मिलता था। और हम लोग अभी कठिनाइयों से निकले, ऐसे नहीं कि नहीं निकले थे। हमेशा उसको स्कूल बस से या कॉलेज बस से या कार शेयरिंग, कार पूल में हमेशा मैं भेजा करती थी। तो मुझे एक चीज़ ध्यान है कि जब खिलौने खरीदने बच्चे जाते ही हैं, तो उस समय में जब बड़े लोगों के साथ वो जाया करते थे, दूसरे अपने कजन्स वगैरह के साथ, तो मैं हमेशा उसको कहती थी कि 50 रुपये हैं,
तुम जाके उस 50 रुपये को उस टेबल के ऊपर रख के कहना कि भैया इस 50 रुपये में मेरे को क्या मिलेंगे, वही मेरे को देना। तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे ये सब लोग साथ में जा रहे हैं, उनके पास इतने पैसे हैं कि तुम भी उतना ही खर्च कर सकोगे जितना ये खर्च कर सकते हैं। इसको सीखना है कि इतने में मुझे क्या मिलेगा, और उसमें दुखी नहीं होना, क्योंकि अपने को अपने हैसियत से रहना है। तो उसी का है, आज उसको आप 3rd क्लास ट्रेन में भेज दो, आप क्या स्कूटर में भेज दो, आप उसको ट्रक में बिठा दो, आप गर्म से गर्म जगह में उसको छोड़ दो जहाँ एयर कंडीशन नहीं है, सो जाएगा आराम से, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और मुझे खुशी है क्योंकि जिस ज़िंदगी में है वहाँ खाली गेंस नहीं है, उसमें बहुत सारा परिश्रम भी करना पड़ता है, और इसने परिश्रम करने में उसको कोई कठिनाई नहीं होती। आपकी जो पॉलिटिकल इमेज है वो बहुत ही सख्त प्रशासक की है, अच्छे वक्ता की है, लेकिन जब आप एकांत में होती हैं, जब आप मुख्यमंत्री नहीं हैं, नेता नहीं हैं, कभी सत्ता में हैं कभी विपक्ष में हैं, तब मेरे ख्याल से दूसरी चीज़ों के लिए भी कुछ वक्त निकलता होगा, संगीत, सिनेमा, अपने शौकों के बारे में बताइए। देखो, किताबों के बिना तो मैं नहीं समझती हूँ कि ज़िंदगी निकल सकती है, तो मैं तो बहुत सारी किताबें हमेशा अपने साथ रखी, मैं तो दीवार की दीवारें किताबें की बनी हैं, और मुझे उनका मज़ा आता है, दोस्त जैसे हैं। तो वट एवर अभी जो लेटेस्ट आता है उसको पढ़ने की हम कोशिश करते हैं, पर ज़्यादातर बायोग्राफीज़ के ऊपर, लोगों की ज़िंदगी, जैसे इजिप्शियंस के समय में किस तरीके से राज हुआ करता था, क्या करते थे, उन्हें कैसे अमेजिंग सिविलाइजेशन बनाने का काम किया, कैसे किया, रोमन्स, उनके एम्परर्स फ्रॉम सीज़र टू अगस्टस, उन्होंने कैसे किया, क्लियोपेट्रा वो क्या थी इजिप्ट के अंदर, द रशियन डिनेस्टीज जस्ट नाउ, कि एक ज़माना था कि उनको एक्चुअली में मारा, और आज जब मैं गई थी रशिया तो मैं देखती हूँ कि उनको फिर आइकन्स बनाने का काम कर रहे हैं। तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ एंड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं हिस्ट्री की किताबों को थोड़ा सा तवज्जो देती हूँ ज़्यादा, और म्यूज़िक जहाँ है अब, क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड हो गई है और इतना समय नहीं मिलता कि अब म्यूज़िक को चूज़ करो, पसंद करो, तो हम अपने पुराने म्यूज़िक के साथ ही रहते हैं। तो हमारे 60s और 70s कॉलेज, स्कूल्स, उसके बाद जो हम उस समय मिलता था, उस समय जो सुना करते थे, उसी के हमारे पास मैंने रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं, और उन्हीं को मैं सुनती हूँ। आई एम हैप्पी विद दैट। उस दौर का कोई गाना, कोई किस्सा जो आपको अभी भी याद आ जाता हो कि अरे ये किया करते थे, ये गाना सुना तो ऐसा हुआ था? ऐसा तो कहाँ याद रहेगा अब, परंतु यही है, ये दो चीज़ें, बगीचा, मेरा बगीचा और मेरे, दैट्स इट। और तो समय कहाँ मिले, कभी 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 पिक्चर देखने को मौका मिल जाता है, तो मैंने अब सोच लिया कि और कुछ नहीं तो एक सीज़न देखो, उसी में मज़ा आ जाता है। अच्छा, तो सिनेमा हो गया, ये सब बात हो गई। राजनेताओं के ऊपर दबाव बहुत होता है, अपने अंदर का दबाव, जन आकांक्षाओं का दबाव, और ऐसे में ज़्यादातर लोगों को ताकत आध्यात्मिक शक्ति से मिलती है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई ध्यान करता है, कोई योगा करता है। वसुंधरा जी को अपनी आंतरिक शक्ति के लिए क्या करना होता है और उसका क्या प्रोसेस है? मैं घर से बिना पूजा के निकलती नहीं हूँ, वैसे रिलीजन जो भी होता है बड़ा पर्सनल मामला होता है, परंतु 24 वर्ष की उम्र से मैं अपने आश्रम से जुड़ी हूँ, और सबसे ज़्यादा अगर सुकून कहीं मिला है तो वहीं मिलता है। मैं कोशिश करती हूँ हर त्यौहार में वहाँ जाने की, दतिया मेरा आश्रम है, और गुरु महाराज के दिए हुए मंत्र और जाप, ये सब चीज़ें बिना किए मैं घर से निकलती नहीं हूँ। और मेरा पूरा अटूट विश्वास है कि ईश्वर ही देखता है, अगर ईश्वर में विश्वास हो तो सब काम हो जाते हैं। और प्रदेश चलाने के लिए भी गुरूर से नहीं होता, अहंकार से नहीं होता, ईश्वर की शक्ति, संतों का आशीर्वाद और जनता का साथ और ओवरऑल प्यार, अगर ये सब हो तो लोग एक दूसरे से नाराज़ नहीं होते, सब लोग मिलके विकास का काम करते हैं और प्रदेश अपने आप खुशी से आगे बढ़ता है। ये थी हमारे साथ वसुंधरा राजे सिंधिया, राजस्थान की मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के तमाम गैर राजनीतिक पहलू बताए। एक और शख्सियत के साथ नो पॉलिटिक्स प्लीज़ में हम फिर हाज़िर होंगे। शुक्रिया।